वृंदावन के समीपवर्ती गांव में महिला को घर में बंधक बनाकर 5 दिन तक जबरन दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं वृंदावन पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार वृंदावन कोतवाली की जैन चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की निवासी महिला के अनुसार वो टोंटी फैक्ट्री में नौकरी करने के लिए प्रतिदिन मथुरा जाती है। आरोप है कि 2 अगस्त को सुबह लगभग 8 बजे वो घर से मथुरा फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रही थी, तभी नारायणपुर निवासी नामजद टेम्पो चालक ने रास्ते में मथुरा जाने की बात कहकर धोखे से उसे टेम्पो में बिठा लिया और अपने घर ले गया, जहां उसे बंधक बनाकर 5 दिन तक उसके साथ जबरन दुराचार की घटना को अंजाम दिया। गुरुवार की सुबह अंधेरे में किसी तरह से वो वहां से भागकर अपने पति के पास जा पहुंची और अपनी आपबीती बताई। महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। इस महिला का आरोप है कि उसने आरोपी टेम्पो चालक के खिलाफ पहले भी छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। महिला ने नामजद के खिलाफ तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। आज थाने क्यों आई हैं आप? आज हम आई, मैं 5 दिनों से प्याज थी इसको कमरा पे। मैं वहाँ से कैसे जान बचा के 5 बजे भगी आई थी वहाँ से। जब मैं पति के पास आई, मैं ये ढूंढते ढोल ले हमें, फिर मैं आई तो मैंने कही कि ऐसे ऐसे बात है, मैं जान बचा के वहाँ से बची आई। तुमने बोली चल हम मथुरा चल रहे, थाने में रिपोर्ट कर दो। फिर जब हम मथुरा गए, मथुरा पर फिर हम वहाँ पर वकील पकड़े हमें, जब उनने उन्हें सब बताई, जब उनने केस हमारे लिए अभी तुम्हारी कानूनगरी हम करेंगे। मतलब हुआ क्या था आपके साथ, क्या घटना हुई थी, कौन कहाँ ले गया था आपको? मैं काम पे जा रहा हूँ सुबह 2 तारीख को, तो मुझसे कह रहेगा टेम्पो चला रहे वो, तो मैं मुझसे कह रहे टेम्पो में बैठ जा, मैंने कहा मैं नहीं बैठ रहा हूँ, बैठ जा तो मैं वहाँ छोड़ दूंगा। तो ये मुझे ले गई टेम्पो में बैठ गई, तो वो ले गए सीधे वहीं रो गए घर पे जाके। घर पे लेके मैं हाथ पाँव ने बांध के रख दई और केवल लगा के रख दई, ताला लगा के जावेगी, ताला लगा के आवेगी। अब मैंने कहा कि मैं कैसे जान निकालूँगी यहाँ से, बचूंगी वो कैसे निकलूंगा मैं, बहुत समस्या टेंशन, रोते ही रोते मैं बच्चा रोवे लग रही है, मैं बच्चा अलग हो गई, मैं दिन और रात रोवे ही रोवे। फिर मारते पीटते तो घर से नहीं जाएगी, तो घर से जाएगी तो मैं अपनी जान दे दूँगी, मैं फांसी में मर जाऊँगा। मैंने कहा मर जा मर रही है तो मुझे क्यों कैद करके रखनी, फिर मुझे 5 दिनों तक इन्हें बलात्कार करेंगे। फिर मैंने मुँह मौके मिलो सुबह इन्हें ताला खोल के रख दी, तो मैं वहाँ से भग गई। कहाँ ले गया था आपको? अब उनकी घर ही ले गई है। कहाँ है इसका घर, पता है आपको? पंगानगरा अतका है नारायणपुर घर। अच्छा, फिर अब आपने पति के दौरे आई, वो ही छठीगरा मिले गई, तो मैंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे जान बचा कर मैं आ गई और मुझे अतका है कौन थाने में ले चलो, नहीं तो फिर वो दोबारा फिर पीछे पड़ेगी। हम गरीब आदमी, हम तो इतनी पैसे नहीं, इज्जत की इज्जत गए और फिर इनकी कोई सुनाई नहीं पड़ रही कोई की। क्या नाम है उसका? राजवीर है, छिंगा भी बोलते। आज पुलिस को आपने शिकायत दिया, क्या कह रही है पुलिस? मैंने एक बार ऐसी और ऐसी बदतमीज करी मुझसे, मैंने शिकायत करी पुलिस में। नहीं, अब आपने जो पुलिस को शिकायत की है, अब क्या कहना है पुलिस को? अब मुझसे कहनी है कि उसे सजा दे, बहुत सजा दे उसे, और उसके घर मकान सब बिक जाए जब वो ना छूटे वो जिंदगी में। उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।